मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र विजय कुमार साहू एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों पितृ पक्ष खत्म होते ही क्वान नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाएगा और देश भर में क्वान नवरात्रि की धूम रहती है। शारदीय नवरात्रि कहते हैं इसे। इस नवरात्र के पर्व में सभी जगह चौक चौराहों पर माँ दुर्गा और माँ शारदे का मूर्ति का स्थापना किया जाता है और जश के साथ माँ शारदे जगदम्बे माँ का पूजा पाठ किया जाता है। तो मित्रों हम ऐसी एक देवी की कथा के बारे में बताएंगे जिसको हम माँ बम्लेश्वरी डूंगरगढ़ के नाम से जानते हैं। उसकी कहानी बताएंगे, दो प्रेमियों के कारण माँ बम्लेश्वरी को आखिर क्यों प्रकट होना पड़ा डूंगरगढ़ में, उसकी कहानी बताएंगे। तो मित्रों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता बम्लेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक है जिसे हम बगलामुखी देवी का ही स्वरूप मानते हैं। मंदिर में पूरे साल श्रद्धालु आते रहते हैं लेकिन नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। यहाँ लाखों हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। छत्तीसगढ़ में कई बेहद मान्यता वाले धार्मिक स्थल है। ऐसा ही एक माता का धाम है डोंगरगढ़। माँ बम्लेश्वरी माता के इस धाम में श्रद्धालु जो है हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह माँ बम्लेश्वरी की पहाड़ की हरियाली के बीच ना सिर्फ श्रद्धालुओं में भक्ति का संचार करता है बल्कि आसपास के माहौल को भी लुभाता है। मान्यता है कि माता बम्लेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी देवी का ही स्वरूप है। मंदिर में पूरे साल श्रद्धालु आते रहते हैं लेकिन नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। खास बात यह है कि मंदिर तक पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ी चढ़नी होती है। हालांकि जो लोग सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं है उनके लिए रोपवे लिफ्ट की व्यवस्था यहां पर की गई है। पौराणिक मान्यता है कि किसी वक्त में इस जगह को कामाख्या नगरी के नाम से पुकारा जाता था। जी हां मित्रों, डोंगरगढ़ को पहले कामाख्या नगरी के नाम से हम जानते थे। उस वक्त के राजा मदन सेन के बेटे काम सेन ने एक नर्तकी कामकंदला और उसके साथ ही माधवनल को राजदरबार में खुश होकर अपने गले का हार दे दिया था। माधवानल ने यह हार कामकंदला को पहना दिया। इससे गुस्सा होकर काम सेन ने माधवानल को देश से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इसके बाद माधवानल कामकंदला को मुक्त कराने की अपील लेकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर हमला बोल दिया और राजा पर जीत भी हासिल कर ली। लेकिन इस दौरान कामकंदला को किसी ने माधवानल के युद्ध में मारे जाने की झूठी खबर दे दी जिसके बाद कामकंदला ने तालाब में कूदकर जान दे दी। दुख में माधवानल ने भी जान दे दी। इस बात से राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान हो गए और माँ बगलामुखी की आराधना शुरू कर दी। माँ ने खुश होकर दर्शन दिए और दोनों को जीवन दान दिया जिसके बाद से यहाँ माँ बम्लेश्वरी के तौर पर आज तक पूजा की जाती है। अगर आप भी यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो आपको रायपुर एयरपोर्ट पहुँचकर सिर्फ 72 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। इसके अलावा आप रायपुर से डोंगरगढ़ तक की सीधे ट्रेन में आ सकते हैं या किसी भी मार्ग से आप ट्रेन में यहाँ पर डोंगरगढ़ पहुँच सकते हैं। किसी भी मार्ग से सड़क मार्ग से आप यहाँ डोंगरगढ़ पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग सड़क मार्ग यहाँ डोंगरगढ़ तक जुड़ा है। तो मित्रों आगे हम माँ बम्लेश्वरी की कथा और कहानी को बताते हैं जो माँ बम्लेश्वरी से जुड़ी हुई है। माँ बम्लेश्वरी की नगरी को दो प्रेमियों की नगरी कहते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं मित्रों। कहते हैं कि प्रेम अगर सच्चा हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण है माँ बम्लेश्वरी देवी का मंदिर जिसका प्राकट्य ही दो प्रेमियों को मिलाने के लिए हुआ। आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज आखिर क्या है किस्सा। यह इतिहास है छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ का जो पुराने समय में कामाख्या नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ 2200 वर्ष पुराना राजा वीरसेन का शासन था। वह प्रजापालक राजा थे, सभी उनका बहुत सम्मान करते थे लेकिन एक दुख था उन्हें कि उनकी कोई संतान नहीं थी। पंडितों के बताए अनुसार उन्होंने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए शिव जी और माँ दुर्गा की उपासना की, साथ ही अपने नगर में माँ बम्लेश्वरी के मंदिर की स्थापना करवाई। इसके बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र हुए कामसेन जो कि राजा की तरह प्रजा के प्रिय राजा बने लेकिन उनका पुत्र मदनादित्य उनसे बिल्कुल विपरीत था। प्रेम का किस्सा कुछ यूं शुरू हुआ। राजा कामसेन के राज्य में एक दिन संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
इसमें प्रसिद्ध संगीतज्ञ माधवाना और नृत्यकी काम कंदला भी शामिल हुई। नृत्य शुरू हुआ लेकिन उसमें कुछ लय ताल की समीकरण कुछ ठीक नहीं बैठा। तभी माधवानंद ने बताया कि आखिर किस वजह से लय ताल का तालमेल नहीं बन पाया। राजा कामसेन माधवानंद के इस ज्ञान को से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने माधवानंद को अपनी मोतियों की माला उपहार दे दी, लेकिन उसने वह माला काम कंदला को सौंप दी। इससे नाराज होकर राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। उधर काम कंदला और माधवानंद पहली नज़र में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और प्रेमी प्रेमिका बन गए। मदनादित्य माधवानल और काम कंदला, एक और तो काम कंदला और माधवानल एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, वहीं राजा कामसेन का पुत्र भी काम कंदला को पसंद करने लगा। माधवानल को कुछ हो ना जाए इसके डर से काम कंदला ने मदनादित्य से प्रेम का झूठा नाटक रचाया। लेकिन एक दिन मदनादित्य को सारा सच पता चल गया। इसके बाद उसने काम कंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया और सिपाहियों को माधवनल को खोजने के लिए भेजा। उधर माधवनल राजा विक्रमादित्य के पास मदद के लिए पहुंचा। उसकी तकलीफ सुनकर राजा ने उसकी मदद की और तमाम संघर्ष और युद्ध के बाद माधवनल को काम कंदला मिल गई। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम को परखने के लिए काम कंदला से कहा कि माधवनल की युद्ध में मृत्यु हो गई। यह सुनते ही काम कंदला ने समीप स्थित तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी। उधर माधवानंद को पता चला तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद विक्रमादित्य ने देवी बगलामुखी, जो कि आज के समय में माँ बम्लेश्वरी देवी डूंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है, उनकी आराधना की और दोनों के लिए जीवन दान मांगा। साथ ही माँ से प्रार्थना की कि वह अपने जागृत रूप में डूंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थापित हो ताकि सभी सच्चे प्रेमियों को माँ की कृपा और आशीर्वाद मिल सके। इसके बाद माँ बम्लेश्वरी देवी वहाँ ऊंचे पहाड़ पर विराजित हो गई और आज भी माँ बम्लेश्वरी द्वज स्वरूप में वहाँ पर विराजित है। पहला स्वरूप है माँ बम्लेश्वरी छोटी मंदिर और दूसरा स्वरूप है माँ बम्लेश्वरी बड़ी मंदिर। तो मित्रों, ये है काम कंदला और माधवानल की कहानी। मित्रों, नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है और वर्ष में दो बार यहाँ पर नवरात्रि पर मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र और क्वान नवरात्र दोनों में भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। हजारों लाखों भक्त आते हैं डोंगरगढ़ में पूजा करने के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए। तो डोंगरगढ़ आप भी आइए। डोंगरगढ़ पहुँचने के लिए आप सीधे रेल मार्ग से कहीं से भी आ सकते हैं, सड़क मार्ग से कहीं से भी आ सकते हैं। आपको सुविधा यहाँ पर डोंगरगढ़ में मिल जाएगी और यहाँ पर वर्ष भर डोंगरगढ़ में नेचुरल लोकेशन बना रहता है। आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा डोंगरगढ़ का रहता है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले में पड़ता है और छत्तीसगढ़ राज्य है और भक्तों के लिए ऊंचे पहाड़ पर लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। यदि कोई भक्त अगर ऊंचे पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा तो उनके लिफ्ट की सेवा की गई है, लिफ्ट व्यवस्था की गई है, तो आप लिफ्ट के माध्यम से भी ऊपर पहाड़ों में जा सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी पहाड़ों पर विराजित है और यहाँ पर अनेक प्रकार के दुकान सस्ते हैं, मेले में हजारों लाखों की भीड़ रहती है। तो आप भी यहाँ पर डोंगरगढ़ आए और घूमें, यहाँ पर देखें डोंगरगढ़ का नज़ारा कैसा है। बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है डोंगरगढ़ का। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपको नया वीडियो हमारा मिल सके। तब तक के लिए मैं आपका मित्र विजय कुमार साहू आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत करता हूं और डोंगरगढ़ के लिए आपको ज़रूर मैं इन्वाइट करूंगा कि ज़रूर आप डोंगरगढ़ शहर आए और देखें कि डोंगरगढ़ कितना प्यारा शहर है। माँ बम्लेश्वरी का नगरी है। माँ बम्लेश्वरी को बगलामुखी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, माँ भवानी डोंगरगढ़ के नज़दीक में एक मंदिर है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है। वैसी ही माँ बम्लेश्वरी एक बगला मुखी मंदिर है जो माँ बम्लेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आप सब आइए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।